नमस्कार सत श्रीकाल आदब दिस इज एम डी फ्रॉम द टीम ऑफ आर डी एन एम डी बैक विद अनदर राउंड ऑफ इन्फॉर्मेशन और आज जो इंफॉमेसन देने जा रहा हूँ वो कैनेडियन इमिग्रेशन ट्वेंटी ट्वेंटी वन कैसा रहा और ट्वेंटी ट्वेंटी टू पर क्या होप्स हैं अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं सबसे इंपॉर्टेंट तो ये चीज़ है कि ट्वेंटी ट्वेंटी वन वॉज एन अमेजिंग ईयर बिकॉज चार लाख एक हज़ार का जो टारगेट लिया गया था ट्वेंटी ट्वेंटी वन में वो अचीव कर लिया है गवर्नमेंट ने अब ट्वेंटी ट्वेंटी टू से क्या उम्मीदें अब ट्वेंटी ट्वेंटी टू से ये उम्मीदें हैं कि चार लाख ग्यारह हज़ार का जो टारगेट है वो आराम से हम अचीव कर लेंगे आप ये सोचें कि अगर गवर्नमेंट और सिटीजनशिप इमिग्रेशन चाहे तो क्या नहीं कर सकती सारी रिस्ट्रिक्शंस थी सब कुछ बंद था बट 2020 2021 में वी अचीव्ड द टारगेट्स सो 1913 के बाद दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि इतने ज़्यादा इमिग्रेंट्स कनाडा में लैंड किए हैं जो 1913 uh, का जो रैकड था वो हमने ब्रेक किया है 2021 में आके और 2022 में बहुत सारी उम्मीदें हैं बिकॉज इस टाइम पे कैनेडा में बहुत सारी शॉर्टेज चल रही हैं वर्क की मेन्स शॉर्टेज है अगर हम बात करें तो एक मिलियन से ज़्यादा शॉर्टेज इस टाइम कैनेडा में नज़र आ रही हैं बिजनेसमैन के पास इसीलिए गवर्नमेंट जो प्रपोजल लेकर आई है दे वांट लॉट ऑफ फॉरेन वर्कर्स टू कम इन एंड वर्क फॉर उनके अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की गई उनकी सेटलमेंट की भी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की गई बिकॉज काफी सारे पी एन पी प्रोग्राम ने अटल्ट का प्रोग्राम जो पायलट प्रोग्राम था उसको परमानेंट प्रोग्राम बना दिया गया एंड अटलांटिक के इसी वजह से प्रोग्राम पायलट इतना सक्सेसफुल रहा कि उनकी टारगेट जो पॉपुलेशन uh, थी वो एक मिलियन पॉपुलेशन टच कर गई है दस लाख से ज्यादा पॉपुलेशन हो गई है अटलांटिको में। सो दिस प्रोग्राम आर डूइंग एक्सीडिंग वेल इस टाइम पे आईसीसी इमिग्रेशन के पास काफी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में अगर आप कुक हैं शेफ हैं बेकर हैं आपके पास सर्वर uh, का एक्सपीरियंस है रेस्टोरेंट मैनेजर का एक्सपीरियंस है रेस्टोरेंट सुपरवाइजर का एक्सपीरियंस है होटल इंडस्ट्री की बात करें तो अकोमोडेशन सर्विस मैनेजर अकोमोडेशन सर्विस सुपरवाइजर्स फ्रंट डेस्क क्लर्क फ्रंट डेस्क सुपरवाइजर्स रूम क्लीनर्स की अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं और इवन जो ये लो पेइंग जॉब्स जिसको कहते हैं नॉक सी और नॉक डी हेल्पर और ये लेबर जॉब्स हैं उसमें भी आप पी आर के लिए क्वालिफाई करेंगे विद फैमिली द रीजन इज कि जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं वो क्वालिफाइड एम्प्लॉयर्स हैं और पी एन पी से अप्रूव्ड टू अप्लाई फॉर एंड पी एन पी फॉर यू और आप पहले वर्क परमिट पर आके उनके पास काम शुरू करेंगे और उसके साथ ही आपकी पीएनपी की एप्लीकेशन हैं एंड आप विद फैमिली के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं अंडर पी एन पी प्रोग्राम और एक चीज है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कि आपकी एज फिफ्टी फाइव से कम होनी चाहिए मिनिमम एजुकेशन है ग्रेड ट्वेल्व होनी चाहिए अगर आपके पास ग्रेड ट्वेल्व है सीएल लेवल मतलब आइलेट्स के चार बैंड मिनिमम हैं तो आप इस प्रोग्राम में विद फैमिली परमानेंट रेजिडेंसी के लिए जा सकते हैं तो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आरडीएमडी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट इसके साथ साथ हमारे पास नर्सिंग की जॉब है नर्सिंग की अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं अगेन ये अपॉर्चुनिटीज जो हैं ये आपको पीआर के लिए भी क्वालिफाई करा सकती हैं इस टाइम पर हेल्थ केयर सर्विसेज में काफी सारी शॉर्टेजेस हैं और अगर आपके पास बी नर्सिंग की हुई है आपके पास मिनिमम टू ईयर्स का एक्सपीरियंस है आईलट्स किया हुआ है अपनी डिटेल्स हमारे साथ शेयर कीजिए जितने